वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाले वीक में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, सपोर्ट या यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल रहने वाले, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने फ्राइडे के दिन 134.30 पे क्लोजिंग दी थी। तकरीबन 75 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक में। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखा जाए तो फ्राइडे के दिन गैप डाउन से ओपन हुआ था, गैप डाउन से ओपन होकर एक अच्छी मूवमेंट भी की थी, पर पूरे जो क्लोजिंग थी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 135 लेवल पे थी के करीब थी। वो लेवल जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजिस्टेंस एक्ट हुई पूरे दिन भर, पर दोपहर के बाद और भी गई यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। जैसे कि मार्केट कैप 1.24 लाख करोड़ का है, पी रेशियो भी देख सकते हो 4.51 का है और डिविडेंड यील्ड है 7.82% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर टू डिजिट यानी कि यहाँ पे मंथ ऑफ जनवरी से मूवमेंट देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 18.90 पैसे की परसेंटेज की रैली करता हुआ नजर आ चुका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। तो तकरीबन 21 पॉइंट अप है यहाँ पे मंथ ऑफ जनवरी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट एनालिसिस पे नजर डाले तो इस मंथ में देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली की है, तकरीबन मंथली रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करके मंथली रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक करके एक अच्छी मूवमेंट की है। तकरीबन अभी रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 लेवल को ब्रेक करता है आने वाले वीक में, तो आप लोगों को आराम से 139 टू 140 लेवल देखने को मिल सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक में। और नीचे भी आता है तो तकरीबन मंथली रेजिस्टेंस 2 जो है वो 132 के करीब है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए और वही से बाउंस बैक हो सकता है ऊपर के साइड। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए।